पखांजूर में बीती रात करीबन 10 बजे अचानक आए आंधी तूफान और ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी मक्के की फसल बर्बाद हो गई और जिन किसानों की पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर, टमाटर, कलिंदर, कद्दू जैसी फसलों को भी ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। अब किसानों के माथे चिंता सता रही है कि रबी की फसलों में विभिन्न बैंक से लिया गया कर्ज कैसे चुकाएंगे। दो दिन पहले भी इसी तरह बेमौसम बारिश और आंधी तूफान से फसलों को नुकसान हुआ है। बहुत नुकसान हुआ, मेरा तो मक्का नहीं है अभी तक। अच्छा, कितना एकड़ मक्का लगाए थे? लगभग 2 एकड़। तो नुकसान हो गया है? बहुत नुकसान है आंधी तूफान में। अच्छा, क्या मांग करते हैं आप? तो गरीब आदमी तो कुछ मिलने से, तो शासन से क्या मांग करते हैं? मुआवजा। ये जो आज आंधी तूफान वृष्टि हुआ है, इसमें किस तरह का नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान। तो मक्का लगाए थे? मक्का लगाए थे। आप शासन से क्या मांग करते हैं? और कुछ कहना चाहते हैं? और क्या कहेंगे, देखो आप तो देख रहे हो, तो क्या गिर गया कि नहीं। ओलावृष्टि इस प्रकार से हुई कि गोभी टमाटर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। इस तबाही की जानकारी किसानों द्वारा राजस्व विभाग को दे दी गई है। इसके साथ ही पूर्व विधायक मंतुराम पवार ने भी क्षेत्र का दौरा कर किसानों के हित में खड़े होकर राजस्व विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी और कहा कि जिन जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उनका सर्वे पटवारी द्वारा कराकर जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। अगर किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा नहीं दिया गया तो हम किसानों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे और इसकी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। मुद्दा आप तक के लिए कांकेर से ब्यूरो चीफ गोपाल ब्रह्मचारी की रिपोर्ट।